गुड मॉर्निंग ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद पाल से कुशवाहा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डीएनए प्रोफाइलिंग। एग्जाम में 20 मार्क्स पूछा जाता है, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं और डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं, राइट? तो कंटेंट में हम डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ डीएनए, टेक्निक्स ऑफ डीएनए टाइपिंग, आरएफएलपी मेथड, एसटीआर मेथड, कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स, कॉमन एविडेंस मेथड एंड सोर्सेस ऑफ डीएनए और एप्लीकेशन ऑफ डीएनए प्रोफाइल, राइट? आरएफएलपी मेथड एग्जाम में सेपरेटली 5 मार्क्स पूछा जाता है और एसटीआर मेथड एग्जाम में 5 मार्क्स सेपरेटली पूछा जाता है। सो इंट्रोडक्शन की बात करें तो हु इन्वेंटेड डीएनए? सो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो एलेक जेफरेज इन 1984 इन्होंने इसे इन्वेंट किया था। डीएनए डीएनए इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर न्यूक्लियट्स, राइट? ईच न्यूक्लियट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट डाइऑक्सीरिबोज एंड वन ऑफ द 4 बेसेस दैट कंसिस्ट ऑफ एडेनिलिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, राइट? तो द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर ज्वाइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ए टी सी एंड जी। टाइप्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। टेक्निक्स ऑफ डीएनए टाइपिंग में 4 टाइप्स से मेथड यूज होते हैं। आरएफएलपी मेथड्स होता है, इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म रहता है। सो सेकेंड वन इज पीसीआर टेक्निक्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एसटीआर टेक्निक शॉर्ट टेंडन रिपीट, देन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। सो फर्स्ट वन इज आरएफएलपी मेथड, एग्जाम में 5 मार्क्स पूछा जाता है। तो क्या टेक्निक होती है, तो डीएनए इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सैंपल्स, देन विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द डीएनए इज कट इनटू द फ्रेगमेंट, द फ्रेगमेंट आर टेकन सेपरेट बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या करना है, द डीएनए बैंड दैट इज ऑब्टेन इन ट्रांसफर टू द नाइलॉन मेंबर्स, देन द रेडियोएक्टिव प्रोब इज एडेड, फिर उसमें रेडियोएक्टिव प्रोब एड किया जाता है। द प्रोब बाइंड द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन नाइलॉन मेंबर्स, द एक्सिस प्रोब मटेरियल इज वॉश्ड, राइट? वहां पर ओनली आपको पर्टिकुलर डीएनए का प्रोब मटेरियल आपको लेना है। सो दैट यूनिक डीएनए बैंड पैटर्न में भी प्रेजेंट, द रेडियो एक्टिव डीएनए पैटर्न नाउ इज ट्रांसफर टू द एक्सरे फिल्म बाय द डायरेक्ट एक्सपोजर, वेन डेवलप द रिजल्टेंट ऑब्जर्व पैटर्न इज द डीएनए प्रोफाइल। तो ये आरईएलपी मेथड ऑफ डीएनए टाइपिंग कहलाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल्स, रिक्वायर्स मोर टाइम, रिक्वायर्स हाई मोलिकुलर वेट, हाई क्वालिटी ऑफ द डीएनए, राइट? इसलिए नाउडेज इसे यूज नहीं किया जाता है। एडवांटेज है, इट कैन बी डिफरेंशिएट टू सैंपल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, राइट? अब सेकंड वन है एसटीआर मेथड, ये एग्जाम में 5 मार्क्स सेपरेटली पूछा जाता है। शॉर्ट टर्म रिपीट्स, राइट? तो टेक्निक्स की बात करें तो ब्लड में से सेल्स में से डीएनए, और डीएनए लेने के बाद में उसके अंदर पीसीआर मिक्स किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उसमें मिक्स किया जाता है। देन जो एक्सटेंशन रहता है उस एक्सटेंशन में से डेंचर से एनियटिंग से अगेन एक्सटेंशन, और ये पूरी साइकिल चलती रहती है। आफ्टर दैट इसे थर्मल सीलर बोलते हैं। देन एम्पलीफाइड डीएनए, आफ्टर एम्पलीफाइड डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन प्रोफाइल क्रिएशन एंड कंपेरिजन, उसे कंप्यूटर सिस्टम में लेके बाद में उसे डिटेक्ट किया जाता है डीएनए। तो ये एसटीआर मेथड ऑफ डीएनए टाइपिंग कहलाता है, राइट? ब्लड से सेल, सेल से डीएनए, डीएनए से पीसीआर मिक्स होता है, देन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से एनियाक्टिन विद द हेल्प ऑफ डीनेचर, देन थर्मल साइक्लर एम्पलीफाइड डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोफाइल क्रिएशन एंड कंपेरिजन एंड कंप्यूटर सिस्टम एंड एसटीआर मेथड ऑफ डीएनए टाइपिंग। एसटीआर मेथड ऑफ डीएनए प्रोफाइल एंड एनालिसिस में सबसे पहले हमने डीएनए एक्सट्रैक्शन किया, क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटेशन ऑफ द डीएनए, देन पीसीआर एम्पलीफिकेशन ऑफ द मल्टीपल स्टार मार्क्स, देन डिटर्मिनेशन ऑफ द सैंपल जीनोटाइप, देन कंपैरिजन ऑफ द सैंपल जीनोटाइप में 2 टाइप्स हैं, प्रोफाइल मेथड एंड प्रोफाइल मैच्ड एंड प्रोफाइल नॉट मैच्ड, राइट? तो कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द सैंपल्स में, तो यहाँ पे हम लोग सैंपल्स और प्रिजर्वेटिव क्या क्या ऐड करते, तो ब्लड लेते सपोज, तो उसमें 4% EDTA ऐड करते, EDTA एथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। अगर हम वेजाइना फ्लूड और सेमाइना फ्लूड डालते तो उसे हम फ्रोजन सॉलिड बोलते हैं। टिश्यू मसल्स स्किन ऑर्गन्स लेते उसमें नॉर्मल सलाइन और टिकिप टिश्यू एज इट इज इन -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नेक्स्ट कॉमन इमिडेंटरी मटेरियल्स एंड सोर्सेस ऑफ डीएनए, तो एविडेंस ऑफ वेपन्स में सोर्सेस ऑफ डीएनए, वेपन्स में ब्लड, हेयर्स, टिश्यू, बुलेट में ब्लड टिश्यूज, क्लॉथ्स में ब्लड, ब्लड सीमेन स्वेट, टूथब्रश में सलाइवा, यूज्ड सिगरेट और बर्ड्स में सलाइवा, यूज्ड कॉन्डम में सीमेन, वेजाइनल हेयर्स, वेजाइनल सेल्स, हेयर्स, पीनियल सेल्स, देन बाइट मार्क्स, सलाइवा,
फिंगर स्क्रैपिंग एंड कंटेंट में टिश्यू एंड ब्लड्स, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए प्रोफाइल में कहां कहां पे इसका यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्विंस जायगोसिटी, देन इमिग्रेशन कॉजेस, एक्सटोर्शन केसेस, डिस्प्यूट्स पैटर्निटी, डिस्प्यूट्स मैटर्निटी, टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स ऑफ एडल्ट्री, देन इंसेस्ट, चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द आउट ऑफ द रेप केसेस, देन कस्टडी ऑफ द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक, राइट, एंड फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ ए पर्सन बींग फादर ऑफ ए सर्टेन चाइल्ड, आइडेंटिफिकेशन इन पोस्टमार्टम प्रैक्टिस, एक्सीडेंट, डिजास्टर, डीकम्पोजिशन, स्केलेटन, एग्जुमेशन, राइट, देन इसका और यूज होता है टू एक्विट ए फॉल्सली इम्प्लीकेटेड पर्सन फ्रॉम दिस सच सिमिलर क्राइम, और टू एस्टेब्लिश आइडेंटिफाई ऑफ ए पर्सन इन सेक्सुअल क्राइम, वायलेंट क्राइम, एक्सीडेंटल, मास डिजास्टर, मिसिंग पर्सन, वार फाइटर्स, बेबी मिक्सिंग एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी और डिसॉल्व पर्सन, राइट। तो इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एग्जाम में आपको 20 मार्क्स पूछा था, इसमें एचटीआर मेथड्स सेपरेटली पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, और आरएफएलपी मेथड पूछा जाएगा सेपरेटली 5 मार्क्स में। अगर इसे रिवाइज करते हैं तो आपको इसे रिवाइज करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। इससे आपको मेंशन करना है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ डीएनए, टेक्निक्स ऑफ डीएनए टाइपिंग, आरएफएलपी मेथड, एचटीआर मेथड, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सैंपल्स, कॉमन एविडेंस मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए प्रोफाइल, आरएफएलपी मेथड सेपरेटली 5 मार्क्स में डिफाइन करना है और एचटीआर मेथड सेपरेटली 5 मार्क्स में डिफाइन करना है। थैंक यू।